हेलो फ्रेंड्स, हमारी फाइनली नेक्स्ट वीडियो आ गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, आज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस सीखते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जब किसी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में आपको इन ये सारे शब्द मिलते हैं, सबसे पहले इसकी हम आईडी जानते हैं, पहचान क्या है। किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, ये तीन शब्द मिलते हैं। जैसे आप सेंटेंस कुछ बोल के बता रहा हूँ ताकि यकीन हो जाए आपको, ठीक है। जैसे वह खेल रहा होगा, वह इंग्लिश सीख रहा होगा, वह पैसे कमा रहा होगा, वह प्रिपरेशन कर रहा होगा, ठीक है, वह एज अ बैंकिंग की तैयारी कर रहा होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, आपको मिलेगा सेंटेंस, ठीक है। तो वो ये समझ लेना कि ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मेरी पिछली वीडियो में भी है, आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, टेंसेस की सारी प्रॉब्लम आपकी रिमूव होगी। तो दोस्तों, ये तो पता चल गया कि मतलब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और या रहे होंगे। आइए जानते हैं इसके रूल्स, ठीक है, या इसकी एग्जिलरी वर्ब जानते हैं, एग्जिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, ठीक है, एग्जिलरी वर्ब जानते हैं क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पे विल बी या शैल बी का यूज करते हैं, विल बी या शैल बी का यूज करते हैं, ठीक है। आइए यूज इसका मेथड आपको बता दूँ थोड़ा सा कि किस तरीके का रूल जो होता है, रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो रूल्स इस तरीके से कुछ हैं। सबसे पहले हम डूअर की बात करें, डूअर प्लस विल बी या शैल बी प्लस एक्शन में आपको आईएनजी फॉर्म करना है, एक्शन मीन्स वर्ब, ठीक है, काम। तो ये हमारा रूल था कि यदि हम ऐसे इस तरीके के, अब देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पहले फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ठीक है, तीनों मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। एग्जिलरी वर्ब मीन्स जो हेल्प करता है, जिसे सॉल्व करना है, इसमें लगता क्या है, विल बी या शैल बी। रूल भी मैंने बता दिया, डूअर प्लस विल बी या शैल बी प्लस एक्शन का आईएनजी फॉर्म, राइट। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनना है। डूअर का मतलब जानते हैं आप, सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाला, डू का मतलब करना और डूअर का मतलब काम करने वाला, ठीक है। जैसे अगर आपने बताया, कहा आपने कि राम पढ़ाई कर रहा होगा, एक सेंटेंस बना, राम पढ़ाई कर रहा होगा, रहा होगा आ रहा है ना यहाँ पे, और हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की। तो जैसे आपने कहा राम पढ़ाई कर रहा होगा, तो सेंटेंस हम बनाएंगे राम, डूअर राम हो गया, फिर यहाँ पे विल बी, अच्छा शैल बी, थोड़ा सा वो आप सोच रहे होंगे शैल बी का यूज कैसे करते हैं, नो, आप इस इंग्लिश स्पीकिंग में शैल बी का यूज नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पर फोकस नहीं करना है, इसको करना है फोकस, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। तो जैसे राम पढ़ाई कर रहा होगा, सबसे पहले हम बोलेंगे राम, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस विल बी करना है, तो राम विल बी क्या कर रहा होगा, पढ़ाई, तो एक्शन क्या है, पढ़ाई, पढ़ाई करना इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं, study, राइट, और ing करना है आपको, एक्शन में यहाँ दिख भी रहा है, सो राम विल बी स्टडिंग, राम विल बी स्टडिंग, राम पढ़ाई कर रहा होगा, कहना है कि वह जॉब कर रहा होगा, वह जॉब कर रहा होगा, सो डूअर क्या है, जॉब कौन कर रहा होगा, वह तो ही हो गया, फिर यहाँ पे विल बी करना है, ही विल बी डूइंग जॉब, ही विल बी डूइंग जॉब, ठीक है। और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे वह चाय पी रहा होगा, या राधा खाना बना रही होगी, तो यहाँ देखते हैं राधा विल बी कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। जैसे आपने कहा कि तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे होगे, सो यू विल बी टेकिंग
यू विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। जैसे वे बहाने बना रहे होंगे, वे का है मीन्स होता है दे होता है, सबके साथ इस टेंस की एक खास बात है, सबके साथ विल बी लगाना है आपको, ठीक है। जैसे वे जा रहे होंगे या वे बहाने बना रहे होंगे, दे विल बी, बहाना बनाना मेक एक्सक्यूज होता है, तो मेक में आईजी कर देंगे, दे विल बी मेकिंग एक्सक्यूज, दे विल बी मेकिंग एक्सक्यूज, ठीक है। तो इस तरीके का आप सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कैसे भी किसी के भी साथ यहाँ पे विल बी का आप यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। मन में कभी कभी चलता है यार काश मैं उस सन में ना पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, अभी तैयारी चल रही मेरी, सो आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, ठीक है। आप मुझे मिस कर रहे होंगे, यू विल बी मिसिंग मी, यू विल बी मिसिंग मी, ठीक है। जैसे आपने कहा शीला मुझे याद कर रही होगी, शीला विल बी मिसिंग मी, राइट। यार वे बहाने बना रहे होंगे, दे विल बी मेकिंग एक्सक्यूज, ठीक है। पापा जॉब कर रहे होंगे, सो फादर विल बी डूइंग जॉब, ठीक है। इस तरीके का आप सेंटेंस यहाँ पे बना रहे सकते हैं, ठीक है, कोई विदाउट डाउट। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे विल के जस्ट बाद आपको यहाँ पे नॉट करना है। कोई नेगेटिव बता दे रहे हैं सेंटेंस आपको, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। एक सेंटेंस बताऊँगा ताकि ना करने में तो बड़ी आसानी होती है, बन जाएगा अगर ये आ गया है तो। जैसे आपने कहा राम नहीं आ रहा होगा, तो हमने कर दिया राम विल, हमने क्या कहा विल के बाद जस्ट आपको नॉट लगाना है, राम विल नॉट बी कमिंग, राम विल नॉट बी कमिंग, राम नहीं आ रहा होगा, राइट। तो दोस्तों ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फैक्ट, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, सो थैंक यू सो मच।